सब भाइयों दीदी के प्रणाम। हमार नाम है सुमित्रा देवी, लक्ष्मी जीविका स्वयं सहायता समूह के हम कोषा दिए छी, संग संग तुलसी जीविका ग्राम संगठन के ओहो अध्यक्ष छी। घर भेल गोसनगर, थाना राजनगर, जिला मधुबनी। प्रणाम दीदी। प्रणाम भाई जी। की कह रहल छिए? ये भाई जी श्री विधि के खेती करी छिए। ये श्री विधि की होय छे? श्री विधि भाई जी इस नया तरीका छे। अच्छा, श्री विधि एकटा नया तरीका छे? हां हां। अच्छा, मतलब ई खेती जे धान के रोपनी करबै के लेल एकटा नयका तरीका छे? तरीका छे हां। अच्छा, तो वही के लेल हां ई सब जे रस्सी या खूंटी टूटी बांधे छे? हां, खूंटी और बनावे छे। एहि के बारे में हमरा ना बतबै? हां हां भाई जी, क्या ना बता दे। अच्छा चलू, तो हमरा कनी बता दिया। अच्छा दीदी, कनी ई सब बतावे से पहले कनी हमरा बता दीती कि श्री विधि के की उद्देश्य है? श्री विधि के उद्देश्य छे भाई जी ई छे। अच्छा, जे कम बीज में। अच्छा, जे उपजा ज्यादा होई छे। अच्छा, यानी कम बीज में ज्यादा से ज्यादा उपज। हां, ज्यादा से ज्यादा उपजा भे। अच्छा, बारिशो देखै छे तेहने सन भ रहल छे। हां हां, त एहि में ई होई छे जे उपजा ज्यादा भे। अच्छा, कम लागत लगेला से ज्यादा उपजा, यानी हर चीज में लागत कम लागत आ उपज ज्यादा भेले। ज्यादा भेले त बहुत अच्छा एकर उद्देश्य छे। हां हां भाई जी, बहुत अच्छा छे ई खेती, बहुत अच्छा भ रहल छे। चलू ठीक है दीदी, तब हमरा अहाँ जे है कनी एकर प्रक्रिया जे है से हमरा बता दिया, एहिमे की सामान लगे छे से कनी हमरा बता। हाँ बता दे भाई जी, हम बता दे। हाँ भाई जी। जी दीदी, श्री विधि से जे खेती करे छिए। हाँ, से एते जे सामान देखे छिए। अच्छा, एते सामान के जरूरत पड़े छे। अच्छा, ई सब सामान के मतलब श्री विधि से खेती करे के लेल जरूरी? हाँ, जरूरत पड़े छे। अच्छा, तो ई जते सामान अखन देखे छिए। हाँ हाँ, ओते सामान के जरूरत पड़े छे श्री विधि खेती करे में। अच्छा, बुझलिए? तो अगर जे अहाँ सीख चाहे छी तो हम अहाँ के सबटा बता दे छी, अहाँ सब कर सके छी। ठीक छे दीदी, हमरा कनी जे बता दिए जे केना केना कोन चीज के जे जरूरत कहाँ पर पड़े छे? श्री विधि से जे खेती करे छिए। अच्छा, तो सबसे पहले कोदारी के जरूरी पड़े है। अच्छा, कोदारी के जरूरी पड़े। हाँ, की करे छिए कोदारी से? नाला चीरे छिए भाई जी। अच्छा, नाला बनबा के लेल जे कोदारी के जरूरी पड़े छै? हाँ, नाला बनबे के। आ ओई के बाद भाई जी खुरपी के जरूरी पड़े छै। अच्छा, ताई में खुरपियो के जरूरी पड़े छै? हाँ भाई जी, खुरपी के जरूरी पड़े छै। की करे छिए से? खुरपी से जरूरी पड़े, खुरपी के जे बीज उखाड़े छिए। अच्छा, बिचरा उखाड़ा के लेल जे खुरपी से? हाँ हाँ, अहाँ सब बिचरा खुरपिये से उखाड़े? खुरपिये से उखाड़े छे भाई जी। अच्छा, आ खुरपी से उखाड़ी एक बार तगारी के काम पड़े छे। अच्छा, ई तगारी में की करे छे? ई बिचरा उखाड़ के ओ तगारी में राखे छे। अच्छा, बिचरा उखाड़ के तगारी में रखे? हाँ, आ चाहे बड़का ढाकी भेल। अच्छा, चाहे बड़का थारी भेल, ओहि में खुरपी से उखाड़ के बिचरा राखे छे। यानी बिचरा उखाड़ के ओहि में धरे छे। हाँ, श्री विधि के खेती करे के लेल। अच्छा, से चार गो खुट्टी के जरूरी पड़े है। अच्छा, चार गो खुट्टी के जरूरी? हाँ, पड़े छे। चार गो के जरूरी पड़े छे। अच्छा, जे दू गो तो लंबा लंबी। हाँ, दू गो लंबा लंबी। हाँ, जे सोझ लाइन होय। अच्छा, तै दुआरे। अच्छा, आ दू गो खुट्टी जे चौड़ा के लिए। अच्छा, यानी दू गो एमहर से करबे आ दू गो एमहर से करबे, यानी लाइन मिलावे के लिए? हाँ, लाइन मिलावे के लिए। ठीक है दीदी, आ तब ओय में भाई जी डोरी बन्हे छिए। अच्छा, डोरी बनबे जे मतलब लाइन सीधा होय के? अच्छा, लाइन सीधा करे के लिए एकरा बांध दे छिए। तब तो ई लाइनो बनाबे के लिए अहाँ सबके जे? हाँ हाँ, बहुत अच्छा तरीका है दीदी। हाँ, तरीका। चलू। अच्छा दीदी, ई देखै छी एहिमे कथी दून सब बनने छी अहाँ? देखियो भाई जी, ई जे देखै छी कथी दून सब बान्हल जे है। अच्छा, से श्री विधि के उद्देश्य ने बतेलौं? हाँ दीदी, तो उस श्री विधि के जे उद्देश्य जे बतेलौं? अच्छा, से पौधा से पौधा। अच्छा, जे एकर दूरी के लिए। अच्छा, एक दूरी पौधा से पौधा के दूरी जे? हाँ, छे हाँ, हाँ, से एते हेबक चाही। हाँ भाई जी, देखियो दूरी जे कहलौं बतेलौं। अच्छा, जे पौधा से पौधा दूरी एते है। हाँ, से देखियो 10 इंच के दूरी दे छी। अच्छा, ई 10 इंच के दूरी? हाँ हाँ, तई केना बुझबे दीदी जे 10 इंच के दूरी? भाई जी हैया देखियो ने, या टेप छै ना। अच्छा, टेप लकना का नाप क जे ओकर अना के बता देबे, नाप लेबे। अच्छा, 10 इंच दूरी है ई दूरी जे अहाँ के 10 इंच भेल? 10 इंच है भाई जी। ठीक छे दीदी। हाँ चलू भाई जी। अच्छा दीदी चलू, तब मतलब जे के ना? हाँ हाँ, बिचरा जे उखाड़े जाए छे। हाँ, से चलू खेत पर कनी देखबे। चलू दीदी, जे हम केना बिचरा उखाड़े छे। ठीक छे दीदी, चलू।
देखियो भाई जी। हाँ दीदी। ये है नर्सरी बेड छे। अच्छा ये नर्सरी बेड छे। हाँ हाँ। कते दिन के बिया है दीदी? ये 12 दिन के बिया है भाई जी। अच्छा ये 12 दिन के बिया है। 12 दिन के तो बड़का टा के बीज लगे है दीदी। यो भाई जी 12 दिन के बड़का टा के बीज है से हम सब घरे में ओकरा के तकर बाद बेड पर दे छी। अच्छा हां सब घर में ओकरा के मतलब जे पहले अथी करे छी। हां हां अच्छा तब तो बड़ी निक तरीका छे दीदी। हां तरीका है भाई जी। अच्छा दीदी एनाहिते उखाड़ी छे की? हां हां देखियो भाई जी एनाहिते ई उखाड़ल जाय छे। अच्छा त ई में थाल किया लगेने छी दीदी? ई थाल लगबै छी भाई जी जे थाल पर थाल जब पड़े है ना। अच्छा तो ऊपर जल्दी पौधा लगे छे। अच्छा यानी माटी में थाल लागल रहले तो थाले सुधर उपे छे। हां रोपे छे। अच्छा तो वैसे मतलब जे जल्दी लग जाय छे। जल्दी लग जाए आ सूखे के डर नहीं रहे छे। हमरा सके तो दीदी ई बारे में कोनो जानकारी नहीं रहे। नहीं तो सीखू भाई जी। अच्छा ठीक है त देखबे करबे दीदी। हां हां आ देख लियो। हाँ देखियो भाई जी। हाँ दीदी ये पौधा जो उखाड़े छे। अच्छा से देखियो सब चीज तो बताइए दलो। हाँ हाँ सब चीज सीख लेलिए। हाँ बुझ गेलिए। हाँ दीदी लेकिन ये ध्यान रखब जे कि पौधा उखाड़ला के बाद आधा घंटा तो पहले रोप। अच्छा यानी आधा घंटा के अंदर एकरा रोप। हाँ, हाँ, दीदी। हाँ भाई हाँ देखियो भाई जी। हाँ दीदी अहाँ जे कहलिए जे आधा घंटा के बाद। अच्छा तो आधा घंटा के बाद कहलौ जे आधा घंटा के बाद जे रुकि जेते तो जड़ के मट्टी सूख जेते। अच्छा जड़ के मट्टी नहीं सूखबाक चाहिए? नहीं सूखबाक चाहिए। आ पौधा जे है से पौधा मोल जेते। अच्छा यानी कि ई चीज के सावधानी मतलब रखे पड़ते। रखे पड़ते। चलू दीदी बहुत अच्छा जे ई चीज हमरा बता देली। हाँ श्री विधि के जे खेती करे छे। अच्छा से उ खेत के तैयारी करो पर ध्यान देबे पड़े छे। हने श्री विधि से जे खेती करे छे तहु में तैयारी आ सब करे छे। हां 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 केना केना तैयारी करे छे दीदी? ई तैयारी करे छे भाई जी श्री विधि से जे खेती करे छे त तैयार करे छे। हां पहले 5 चास करबे छे खेत के। अच्छा 5 चास अहाँ खेत के जोताई करे छे? हां जोताई करे छे। अच्छा तकर बाद की करे छे दीदी? 5 चास जे जोताई क दे छे त छठमा जोताई में अच्छा जोत का। हाँ। चौकी से पहले अच्छा से बर्मी खाद जो है छे। अच्छा बर्मी खाद यानी जे भी खाद। हाँ, जे भी खाद अच्छा वो पहले दे छे। अच्छा बर्मी कंपोस्ट छिड़काव करे छे। हाँ छिड़काव करे छे। दीदी जे भी खाद जे कहलिए वो कते दे छे? आज जे भी खाद जे है अच्छा से 1 बीघा में 4 क्विंटल दे छे। जे भी खाद 1 बीघा में 4 क्विंटल? 4 क्विंटल दे छे। अच्छा जे भी खाद किया दे छे दीदी? जे भी खाद जे दे छे भाई जी ऐसे उपजा ज्यादा होइ छे। मतलब ऐसे उपजा ज्यादा ज्यादा होइ छे। पौधा बढ़िया होइ छे मोटगर भेले त जखने पौधा मोटगर हेतै तखने उपजा ज्यादा हेतै। अच्छा त ओइ दुआरे जे भी खाद 1 बीघा में हम सब 4 क्विंटल दै छी। नाला बनाबे से की फायदा होय छे? देखियो भाई जी नाला बनेला से ई फायदा है हाँ। जे की
पानी पटवे के सुविधा भेले यानी पानी पटवे में सुविधा से हो जाए सुविधा भ गेले ठीक छै आ जो खेत में ज्यादा पानी भ गेले अच्छा तो हमरा निकासी करे में जो सुविधा है यानी ज्यादा पानी भ गेले तो ओकरा निकासियो कर निकासियो कर देली यानी खेत में नहीं रहत नहीं रह देली हमरा जतबे रखे के योग्यता रहल अच्छा जे हमर पौधा बढ़िया है ओतबे हमरा यानी पानी के आवश्यकता के लेल जते जरूरी छै हां तते खेत में रहते बाकी के बहा दे छै चलू दीदी तब नाला जे नलों के बारे में जान लिए हम क्या जरूरी है एकर की फायदा है से तो जानकारी ल लेलिए अच्छा अच्छा दीदी अब तो रोपाई के लेल जे है तनी हमरा ओकरा बता अच्छा ठीक है रोपाई के लेल पानी जो पौधा में अगर कम भेले तो नाला बना के ओय द्वारा से पानी देते मतलब ओय द्वारा जे नाला से निकासी कर तो तरीका बड़ नीक छै तरीका ठीक है उपाय तो भ गेले आब तो हम देख लेलिए किसी भी विधि के की उद्देश्य छै और अहाँ के खेत के तैयारी देखलिए जो ओहिमे नाला केना बनायल जाइ छै कते दूरी रखल जाइ छै आ नाला के किया जरूरी छै साथ में रोपाइयो देखलिए अहाँ के जे कते दूरी पर अहाँ जे 10-10 इंच पर रोपाई के लिए हैं आ 15 लाइन के बाद 16 लाइन जे है अहाँ जे एक फीट के दूरी केने छियै ओकरो बारे में जानकारी लेलिए कि अहाँ जे एहिमे जे अगर पटवन के लेल जे है जरूरी जखन हेतै तऽ पटवन कऽ देबै आ ज्यादा पानि हेतै तऽ ओकरा निकासी ओहि माध्यम से कऽ देबै और साथ में इहो सीख लेलिए जे मानि लिअ खाद जे छिटबै तऽ वही से जे है मतलब ओहि नाला के माध्यम से जे खाद के छिड़काव भी कऽ देबै ई सारा चीज तऽ सीख लेलिए दीदी अब हम ई जानऽ चाहै छियै जे श्री विधि से की लाभ होइ छै श्री विधि से भाई जी ई लाभ है जे बिचरा कम लागल अच्छा आ खेत ज्यादा रोपायल अच्छा आ ओहि में की होइ है जे कि एक एक का तो पौधा लगबै छियै अच्छा एक एक का लगबै एक एक का लगबै छियै आ ओहि में 50-60 गो पौधा के बिक लै छै अच्छा ओहि में मतलब 50-60 गो कला फेकै हां कला फेकै छै यानी कम लागत लगले आ फायदा ज्यादा ज्यादा भेले आ ओहि में देख देख जे और जते करबै तते ओहि में उपज ज्यादा उपज ज्यादा तो तै दुआरे लोग ज्यादा सीधी विधि के से खेत श्री विधि से करे चाहे यानी किसी भी विधि से लाभ हो गेले जो लाभ हो गेले लागत कम लगले कम लगले आ फायदा ज्यादा भेले फायदा ज्यादा भेले तो तै बहुत अच्छा है दीदी बहुत अच्छा है चलू आब तो हम जे है हमहु अपने ये चीज करबै आ दूसरो दीदी के जे है एहि बारे में प्रेरित करबै कि दीदी हमहु जे श्री विधि से खेती कर हां हां भाई जी हाँ दीदी एक तो बात के ध्यान रख अच्छा जे नर्सरी से जे पौधा आनबै अच्छा तो आधा घंटा से पहिने ओकरा लगेबाक छै यानी कि नर्सरी बेड में से जे है बीज के जे उखारे छै हां आधा घंटा के अंदर मतलब खेत में मतलब जे बिचरा के रोप दिया रोप दे के छै अच्छा अगर जे लेट भ जेतै तब लेट भ जेतै तो ओकर जड़ सूख जेतै अच्छा ओकर माटी सूख जेतै तो लागे में दिक्कत है आ ओमे से काला ज्यादा नहीं खेती के विषय में जे है हम तो बुझ गेलिए जे श्री विधि से केना खेती कैल जाय छै एकर उद्देश्य जान गेलिए एकर लाभ बुझ गेलिए और की सावधानी एहिमे बरते पड़ै छै सेहो जान गेलिए अब हमहू जे अपन खेती जे श्री विधि से करबै साथ साथ अपनो गाँव के किसान दीदी सबके जे है श्री विधि के बारे में बतेबै आ हम चाहब कि अहूँ जे किछु किसान दीदी के जे है किछु संदेश दिए
हाँ भाईजी हम देवे संदेश। अच्छा ठीक है दीदी। तब किसान दीदी आ भाईजी से अनुरोध है कि श्री विधि से खेती करी आ अधिक से अधिक लाभ उठाबी।